हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद अंकुल में। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल वालों का कब से आप लोग का काउंसलिंग होगा, यानी पीसीबी का कब से स्टार्ट होगा काउंसलिंग, इंजीनियरिंग का कब तक के आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया चालू रहेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखें। देखिए, हम आए हुए हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पर हम आए हुए हैं, तो यहाँ देख लीजिए। देखने के बाद हम यहाँ आपको आज नोटिस दिखाते हैं कि कब से कब तक का इंजीनियर वालों का आपका काउंसलिंग होगा। तो यहाँ हम चलते हैं, कुछ एक से दो दिन के बाद आपका नोटिस आया था, उस पर हम जाते हैं। उस पर जाने के बाद हम देख देते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद के ऑफिशियल साइट पर आए हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि आपका कब से मेडिकल के और इंजीनियरिंग का कब तक के आप लोग का काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। यहाँ देखिए, आने के बाद यहाँ देखिए आपको आया है 21/11 से आपका स्टार्ट है पीसीएम का अभी तक स्टार्ट होगा। पीसीबी का ग्रुप का कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, यहाँ देखिए हम आपको पूरा शेड्यूल में आपको हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ देखिए, सीट मैट्रिक्स पोजीशन ऑफ वेबसाइट स्टार्टिंग है आपका, देखिए 17/11 से आपका स्टार्ट है और लास्ट डेट इसका जो बात करेंगे हम, लास्ट डेट है इसका 26/11/2022 तक, यानी आपका 26 तक आपका पीसीएम का काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका राउंड, फर्स्ट राउंड इसका निकलेगा आपको यहाँ 29/11 को आपका फर्स्ट राउंड निकलेगा और डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट राउंड आपका अलॉटमेंट ऑर्डर 29 से आप लोग 2 तारीख तक के आप लोग फर्स्ट अलॉटमेंट ऑर्डर कर सकते हैं डाउनलोड। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड में यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है 6/12/2022 तारीख को आप लोग सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर 12 तक एडमिशन ले सकते हैं। फिर हम बात करें तो पीसीबी का कब से होगा, तो पीसीबी का लमसम वही 5 तारीख से आप लोग का लगभग स्टार्ट होगा पीसीबी का, यानी मेडिकल वालों का 5 या 4 से आपको लगभग काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को किसी भी तरह से आप लोग को भी होना चाहिए मेडिकल का काउंसलिंग। ठीक है।